हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। प्लेजर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी की विल या विश की बात हो रही है, मतलब इच्छा अनुसार। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कहाँ का है? इंग्लिश लॉ। इंग्लैंड में क्राउन सिस्टम है, मतलब वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन सर्विस में है तो उसका जो टेन्योर है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन, मतलब जब तक ये क्राउन चाहेगा तब तक वो पर्सन सर्विस में रहेगा। और क्राउन कभी भी इस पर्सन को, कभी भी किसी भी पर्सन को अपनी इच्छा अनुसार, अपने विश के अकॉर्डिंग टर्मिनेट उसका टेन्योर कर सकता है एट एनी टाइम, इवन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। होगी जब तक किंग की इच्छा होगी तब तक वो पर्सन सर्विस में रहेगा, और जब किंग का इंटेंशन चेंज हो जाएगा कि नहीं, इस पर्सन को अब हमें सर्विस में नहीं रखना, तो किंग अपनी मर्जी से उस पर्सन का टेन्योर, उस पर्सन की जो सर्विस है वो खत्म कर सकता है एट एनी टाइम, इवन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो इसी सिस्टम को हमारे हमारे आर्टिकल 310 में अडॉप्ट किया गया, पर इस आर्टिकल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई है, जो रेस्ट्रिक्शंस हम आगे पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 310 किसकी बात करता है? प्लेजर की बात करता है। तो यहाँ पे किसके प्लेजर की बात हो रही है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो भी पर्सन सिविल सर्विसेज में है या डिफेंस सर्विस में है, इनको इनका जो रिमूवल है या इनका जो सर्विस का टेन्योर है इसको रिमूव किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट या बाय गवर्नर एट एनी टाइम। क्यों? क्योंकि जो इनका टेन्योर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 310 के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड गवर्नर है। तो ये तो आर्बिट्रेरी मैनर में भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मनमानी भी हो सकती है। तो इस कारण से आर्टिकल 310 पर दो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुए पड़े हैं, तो जिनको हम आगे डील करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 310 जिसमें टेन्योर बताया गया है किसका, जो भी पर्सन यूनियन या स्टेट में है इन दी सिविल सर्विस या डिफेंस सर्विस, जो यूनियन में है तो किसके प्लेजर में रहेगा? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड स्टेट पर है तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक ये सिविल सर्वेंट या डिफेंस सर्विस में जो पर्सन है उनका टेन्योर रहेगा, और जब इनकी इच्छा खत्म हो जाएगी तब उस पर्सन को उसकी सर्विस से निकाला जा सकता है। तो प्लेजर के बाद आर्टिकल 310 क्लोज ए, ठीक है। पर यहां पर दो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई है, जो कौन अप्लाई करता है? आर्टिकल 310 क्लोज टू, एंड दूसरा बात करता है आर्टिकल 311। सबसे पहला क्लोज टू बात करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ओवरराइड कर जाएगा। किसको ओवरराइड कर जाएगा? प्लेजर को ओवरराइड कर जाएगा। तो प्लेजर के ऊपर, प्लेजर को लेकर आप किसी भी पर्सन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसको रिमूव या डिसमिसल नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया पहला रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड क्या बोल, आर्टिकल 311 क्या बोलेगा कि अगर किसी पर्सन को डिसमिसल कर रहे हो या रिमूवल कर रहे हो तो उस अथॉरिटी से नहीं किया जाएगा जो सबॉर्डिनेट है। किसकी सबॉर्डिनेट है? जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है उस अथॉरिटी की सबॉर्डिनेट अथॉरिटी किसी भी पर्सन को, किसी भी सिविल सर्वेंट को डिसमिस या रिमूवल नहीं कर सकती। सबसे पहली रोक यहाँ पे लगी हुई है, ठीक। सेकेंड बात करता है कि किसी भी पर्सन को डिसमिसल या रिमूवल नहीं किया जा सकता। कब तक रिमूवल नहीं किया जा सकता? जब तक पहली बात इंक्वायरी ना हो जाए, प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड कर दी जाए टू दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम हुआ है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, दो चीज हो गई, डिसमिसल या रिमूवल के लिए पहले आपको इंक्वायरी करनी होगी, एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उस पर्सन को प्रोवाइड करनी होगी जिसके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम है। पर इस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के तीन एक्सेप्शंस है, जिसको ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। सबसे पहला
सबसे पहले बात करता है, अगर किसी पर्सन को उसके कंडक्ट के कारण डिसमिस या रिमूवल किया जा रहा है, कैसा कंडक्ट, अगर कन्विक्ट हो रहा है कोई भी सिविल सर्वेंट, कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस, तो इस पार्ट के अंदर कि उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कि प्रैक्टिकली रीजनेबल नहीं है उस पर्सन को कि हाँ हाँ उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि हाँ हम उसको सुने कि उसका क्या ग्राउंड है। क्यों? अगर मानो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो पब्लिक सोसाइटी के अगेंस्ट में है, मान लो 370 में अगर कोई ऑफेंस करता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर इन्वॉल्व होता है, तो ये पब्लिक सोसाइटी के अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है और वो सिविल सर्वेंट है, तो उस में उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना रीजनेबल नहीं होगा। तो उस केस में बिना उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए हम उसको निकाल सकते हैं। तीसरा हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आती है, तीसरा रीजन ये है। तो तीन एक्सेप्शंस हो गए, पहला अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कन्विक्ट हो जाता है इन क्रिमिनल केस, सेकेंड रीजनेबली प्रैक्टिकल नहीं है कि हाँ हम उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, क्यों, क्योंकि उसका कंडक्ट कुछ ऐसा रहा है कि या तो उसने पब्लिक सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस किया है या उसका कोई भी ऐसा कंडक्ट है जो रीजनेबली नहीं है। एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, इसको हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया प्लेजर की डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, क्या है कि किसी भी पर्सन को अपनी मनमानी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है, उस पर दो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं जो कि हमारा आर्टिकल 310 एंड क्लोज 2 एंड आर्टिकल 311 इम्पोज करता है। सबसे पहला 310 क्लोज 2 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है एंड 311 सबॉर्डिनेट अथॉरिटी नहीं निकाल सकती, एंड दूसरा क्या बात करते हैं इंक्वायरी या एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के बिना नहीं निकाला जा सकता, डिसमिसल या रिमूवल नहीं हो सकता। एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के तीन एक्सेप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड हो गए। एक केस आता है यूपी गवर्नमेंट वर्सेस साबिर हुसैन, कब का केस है ये, 1975। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो इंक्वायरी कंडक्ट होगा, जो इंक्वायरी होगी, सबसे पहले तो वो नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड दूसरा जो इंक्वायरी होनी चाहिए वो फेयर एंड प्रॉपरली कंडक्ट होनी चाहिए, फेयर एंड प्रॉपरली कंडक्ट। हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, आई होप आपको सब समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।